थाईलैंड की अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के शूटर मुन्ना झिंगड़ा को भारत भेजने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का दायां हाथ सैयद मुजक्किर मुदस्सर हुसैन उर्फ मोहम्मद सलीम उर्फ मुन्ना झिंगड़ा भारतीय नागरिक है, इसलिए उसे भारत भेजा जाएगा। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक बहुत जल्द मुन्ना झिंगड़ा को भारत लाया जाएगा। मुंबई क्राइम ब्रांच को उम्मीद है कि मुन्ना से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई जा रही है। थाईलैंड की अदालत के इस फैसले से भारत सरकार की मुश्किलें काफी आसान हो गई हैं। कई सालों से भारत मुन्ना झिंगड़ा को भारत लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार पाकिस्तान के दखल से उसे भारत लाने की प्रक्रिया में देरी हो रही थी। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच इसकी नागरिकता को लेकर विवाद था। भारत ने झिंगड़ा की नागरिकता सिद्ध करने के लिए कोर्ट के सामने फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड पेश किया था। कोर्ट ने इसके आधार पर उसे भारत का नागरिक माना। साथ ही कोर्ट ने पाकिस्तान के वकील को गलत तथ्य पेश करने के लिए फटकार भी लगाई है। मुन्ना झिंगड़ा बैंकॉक की एक जेल में सितंबर 2000 से बंद था। अप्रैल 2017 से उसके ऊपर केस चल रहा है। जब फैसला सुनाया गया तो झिंगड़ा कोर्ट में बिल्कुल हिंसक तरीके से व्यवहार करने लगा और जज को गालियां भी दी। वहां मौजूद पाकिस्तानी दूतावास के एक अधिकारी ने बिल्कुल इसी तरह से व्यवहार किया। पाकिस्तान के पास अपील करने को अब केवल 30 दिन हैं। इसके बाद थाईलैंड को अधिकतम 90 दिनों में झिंगड़ा को भारत भेजना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।